नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जारी कर दी है संशोधित समय सारणी यानी कि रिवाइज शेड्यूल फॉर एडमिशन। और अब आपको आज की वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि कक्षा पहली की पहली लिस्ट कब निकलेगी, दूसरी लिस्ट कब निकलेगी और तीसरी लिस्ट कब निकलेगी, यानी कि कक्षा पहली का रिजल्ट कब निकलेगा, इसकी जानकारी आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने जा रही हूँ। मैं आप सभी से अपील करूँगी कि यदि आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते जिसकी वजह से महत्वपूर्ण जानकारी उनसे मिस हो जाती है। तो पहली लिस्ट निकलने वाली है 29 अप्रैल को। जी हाँ, 29 अप्रैल जो कि है फ्राइडे यानी कि शुक्रवार को पहली लिस्ट निकल जाएगी। पहली लिस्ट निकलने से पहले देश के सभी केंद्रीय विद्यालयों में 29 अप्रैल को होगा कंप्यूटराइज ड्रॉ, जो कि सभी अभिभावक फेसबुक लाइव के माध्यम से और यूट्यूब लाइव के माध्यम से देख पाएंगे। हर स्कूल का अपना फेसबुक चैनल होता है, हर स्कूल का अपना यूट्यूब चैनल होता है, तो उस स्कूल के फेसबुक चैनल के माध्यम से फेसबुक लाइव और स्कूल के यूट्यूब चैनल के माध्यम से यूट्यूब लाइव के माध्यम से आप कक्षा पहली के ड्रॉ को देख पाएंगे, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन चाहता है कि ये जो ड्रॉ की प्रक्रिया है ये काफ़ी पारदर्शिता के साथ संपन्न की जाए, काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो, इसीलिए पेरेंट्स को इस ड्रॉ प्रक्रिया को देखने का मौका यूट्यूब और फेसबुक लाइव के माध्यम से दिया जाता है। तो 29 अप्रैल को पहले लिस्ट के बाद जिन जिन स्कूलों में, सभी स्कूलों में देश के दाखिले होंगे, तो लेकिन जिन जिन स्कूलों में सीट्स बच जाएंगी वह स्कूल निकालेंगे दूसरी लिस्ट, जो कि होगी 6 मई को। और 6 मई जो कि निकलेगी सेकेंड लिस्ट, और सेकेंड लिस्ट के बाद फिर दाखिला प्रक्रिया होगा। जिन जिन स्कूलों में 6 मई की लिस्ट निकलने के बाद भी सीट्स बच जाएंगी वह स्कूल निकालेंगे तीसरी लिस्ट, जो कि होगा 10 मई को। यानी कि पहले लिस्ट 29 अप्रैल, दूसरी लिस्ट 6 मई और तीसरी लिस्ट 10 मई को निकल जाएगी। तो आपका इंतज़ार खत्म हो चुका है। कुछ परेशानियां थी या कह सकते हैं कुछ दिक्कतें थी जो केंद्र विद्यालय संगठन कुछ रोक की वजह से देख रहा था। आप सभी को पता है MP कोटा, DM कोटा, कलेक्टर कोटा और मंत्रियों के बच्चों को जो केंद्रीय विद्यालय में, उनके पौत्र पौत्री को जो केंद्रीय विद्यालय में कोटा थे, वे सभी कहीं ना कहीं खत्म कर दिए गए हैं। और कहीं ना कहीं हमारे देश के जो केंद्र शिक्षा मंत्री हैं उनका कहना है कि दाखिला प्रक्रिया में योग्य बच्चे आगे बढ़े, इसीलिए ज़रूरी है कि इस प्रकार के कोटे जिसमें सरकारी पदों में बैठे यानी कि जो राजनेता हैं उन्हें जो बहुत सारे कोटे दिए गए थे, विशेषाधिकार दिए गए थे, कहीं ना कहीं उन्हें खत्म करना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम बात करते हैं MP कोटा की, तो यह किसी भी सांसद के लिए मतलब ये संभव ही नहीं है कि वे अपने पूरे निर्वाचन क्षेत्र में 10 बच्चों को योग्यता के आधार पर दाखिले में मदद करवाए, क्योंकि ऐसे में फेवरेटिज्म चलता है। जो लोग जान पहचान के होते हैं, जो लोग पसंद होते हैं, उनके बच्चों को ही दाखिले का मौका दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो MP कोटा थे, DM कोटा, कलेक्टर कोटा, मिनिस्टर्स के बच्चों को जो कोटा थे, वे सब खत्म कर दिए गए हैं। कोशिश की गई है केंद्रीय विद्यालय दाखिला प्रक्रिया को बेहतर बनाई जाए, और जैसे ही यह सब फाइनल कहते हैं डिसीजंस लिए गए, कहीं ना कहीं फैसले लिए गए, उसके बाद एकदम केंद्र विद्यालय संगठन ने तारीखों से संबंधित जो उनकी संशोधित समय सारणी थी वह जारी कर दी। 29 अप्रैल को पहली लिस्ट, 6 मई को दूसरी लिस्ट और 10 मई को तीसरी लिस्ट निकल रही है। तो हो जाइए तैयार। आप रिजल्ट कैसे देख पाएंगे इसके संबंध में भी सही जानकारी सही समय पर मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। सारा साल मेहनत करती हूँ केंद्र विद्यालय में आपके बच्चों का दाखिला हो जाए इसके लिए। और जब ये रिजल्ट के जब दिन आते हैं तो मान लीजिए जितनी एक्साइटमेंट या जितनी घबराहट या जितनी नर्वसनेस आपको होती है उतनी ही मैं महसूस करती हूँ। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मैं ऊपर वाले से यह प्रार्थना करूँगी कि वह सभी लोग जो सबकी शिक्षा की वीडियोज़ को रेगुलरली देखते हैं और सारा साल देखते हैं, खुद बहुत मेहनत करते हैं नियमों को समझने में, तो उनके बच्चों का दाखिला उनके पसंदीदा केंद्रीय विद्यालय में ज़रूर हो। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।